सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। देखिए दूसरा जो लूप का प्रोग्राम है उसको देखते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है आइए आपको बताता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहां पर फॉर लूप का है, तो यहां पर ऊपर कुछ भी इनिशियलाइजेशन नहीं है, ठीक है। यहां पर आप देख लीजिए इसमें कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया गया है, ठीक है। सीधा सीधा फॉर लूप की बात करी जा रही है और यहां पर लिखा गया है जेड इन रेंज, ठीक है। ये क्वेश्चन है फॉर जेड इन रेंज, ठीक है। यहां पे ब्रैकेट को ओपन किया है, यहां पे लिखा है -500, क्या लिखा है -500 500, ठीक है, और फिर कॉमा देकर के 100 किया गया है, ठीक है। अब ये पूरा ही मैटर आपको समझ में आया होगा क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। पहला जो ये है -500 ये स्टार्टिंग वैल्यू है, दूसरा जो है ये एंडिंग वैल्यू है यानी स्टॉप वैल्यू है, और तीसरा स्टेप है, ठीक है। अब यहां पर किया क्या गया है, प्रिंट करवा दिया गया, सिंपल वे में प्रिंट करवाया गया है, ठीक है। क्या प्रिंट करवाया गया, जेड को, ठीक है। तो अभी जेड को प्रिंट करवाने पे यहां पे रिजल्ट क्या आने की संभावना है, ठीक है, सवाल यही है। तो यहां पे देखिए -500 है और इसको स्टॉप किया गया 500 पर, तो अच्छा 100 100 का जो यहां पे स्टेप है वो 100 100 चलने हैं, तो -500 -400 -300 -200 -100 फिर 100 फिर 200 300 400 और देन 500 आ रहा है, तो 400 तक ये प्रिंट करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए आइए इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर देख सकते हैं जो मैंने बताया -500 -400 -300 -200 और -100, और यहां पर एक ट्विस्ट, जीरो भी प्रिंट करेगा, ये जीरो भी करेगा। देखिए जीरो फिर 100 फिर 200 फिर 300 फिर 400, समझ रहे क्यों, क्योंकि ये -500 से 100 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा -400 फिर -300 फिर -200 फिर -100 देन 0 आ जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा वो, फिर 100 आएगा क्योंकि यहां पे 500 तक इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, मतलब 500 से 100 कम, समझ में आ रही है बात। तो इसलिए ये इस तरीके से प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं, कोई भी आपको कोड दिया जाए आप आराम से बता सकते हैं कि उसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है ना। ओके,